हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ ऑन जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस विल बी द अनदर लेक्चर पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही कोशिश रहेगी कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस जो है वो कवर करा दी जाए ओके okay? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा अभी हमने अपना जो पेड नॉन को नॉन वीडियो कोर्स है वो लॉन्च किया है मैं कोर्स के बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं वो ल, क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बात, बात करूँगा उसकी तो सिंपली बात ये है कि जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अगर आ, कुछ नॉन वीडियो कोर्स कुछ पेड कुछ आ गया तो यूट्यूब पे सेशंस आने कम हो जाएंगे उतने ही सेशंस आएंगे यूट्यूब के ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से आएंगे कम नहीं होने वाले तो ये चिंता मत करना कि तुम्हारा साथ बीच में छोड़ दूंगा शुरू किया है तो खत्म करूंगा समझ रहे हो साथ बीच में नहीं छोड़ूंगा तो जो वीडियोस मिल रही हैं जो प्लेलिस्ट बन रही हैं सब में लेक्चर्स मिलेंगे हंड्रेड लेक्चर्स अगर बोला है कि करंट अफेयर्स के दूंगा तो दूंगा ठीक है चलो तो पहला क्वेश्चन देखें ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में बच्चों कर चुके हैं ठीक है इसका आंसर भी हमने देख लिया था मस्कुलर इशू था टिशू था ठीक है मस्कुलर टिश्यू को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो बाकी के चार टिश्यूज हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक एक करके सारे टिश्यूज से रिलेटेड मैं जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो डिस्कस कर लूंगा क्योंकि हर टिश्यू में काफी डिटेल रहती है थोड़ा लेंदी रहता है और फैक्ट्स काफी आ जाते हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है तो आंसर तो मस्कुलर टिश्यू था इसको डिस्कस कर चुके हैं इस वाले लेक्चर में पहले मैं एपीथिलियल टिश्यू डिस्कस करूंगा बाकी फिर हमारे दो टिश्यूज रह जाएंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा एपिथिलियल डिस् टिश्यू डिस्कस करने के बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हमारा सी आई एस एफ के सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर... हो जाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे और कोई दूसरा यूपीएससी का पेपर उठाना शुरू करेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले एपिथिलियल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथिलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथिलियम भी कहा जाता है ठीक है तो एक ही बात होती है एपिथिलियल टिश्यू या एपिथिलियम दू दिस टिश्यू एज अ फ्री सरफेस ठीक है फ्री सरफेस टिश्यूज होते हैं या तो ये बॉडी फ्लूड को फेस करते हैं या आउटसाइड इन्वायरमेंट को तो एक तरह से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे आपका जो स्किन है स्किन को भी कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है एपिथिलियल टिश्यू ही प्रोवाइड करता है और राइट right. ये जो एपिथिलियल टिश्यू होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और बहुत कम इंटरसेलुलर मेट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो है इन दोनों के बीच में होती है अब एपिथिलियल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं एक होता है सिंपल एपिथिलियम एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है अगर हम ब्रीफली देखें तो सिंपल एपिथिलियम क्या होता है ये मेनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं ठीक है थीके? और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी कैविटीज डक ट्यूब्स उनकी प्रोटेक्शन में ये काम आते हैं दूसरा होता है आपका कंपाउंड एपिथिलियम कंपाउंड एपीथिलियम क्या होता है ये दो या दो से ज्यादा लेयर्स होती हैं इसमें ठीक तो है तो सिंपल एपिथिलियम में सिंगल लेयर है कंपाउंड एपिथिलियम में टू और मोर लेयर्स ले एक तो ये डिफरेंस हो गया और ये आपका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन स्किन को बचाता है आपकी मेनली और राइट अभी इनको डिटेल में भी देखेंगे सिंपल एपिथिलियम और कंपाउंड एपिथिलियम को थोड़ा सा तो अगर हम सिंपल एपिथिलियम की बात करनी शुरू करें तो सिंपल एपिथिलियम जो है फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड है स्क्वेमस क्यूबॉइडल ठीक है तो स्क्वेमस एपिथिलियम जो होता है सिंगल थिन लेयर होता है फ्लैटेन सेल्स का इेगुलर बाउंड्रीज होती है इसकी और ये मेनली आपका जो होता है इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स ठीक है तो देखो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्स ऑफ ब्लड सेल्स वेसल्स में कौन सा एपिथिलियम मिलता है ठीक है आपको ऑप्शन दे देगा कि स्क्वेमस एपिथिलियम क्यूबॉइडल एपिथिलियम और कॉलुमिनल एपिथिलियम तो इस तरह से आपसे सिंपल सवाल जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है कि ब्लड वेसल्स की वॉल में या लंग्स के एयर सेक्स में ओके एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री ओके उसके बाद आपके क्यूबॉइडल एपिथिलियम आ जाते हैं ये भी सिंगल लेयर है देखो क्योंकि सिंपल एपिथिलियम तो सारे ही सिंगल लेयर है ना एंड ये कॉमनली कहाँ पर मिलेंगे आपको ग्लैंड के डक्ट में या फिर ट्यूबुलर पार्ट्स में जो किडनीज के नेफ्रॉन्स होते हैं उनके ट्यूबुलर पार्ट्स में और इन ट्यूबॉइडल एपिथिलियम का मेन काम क्या होता है ये सिक्रीशन और एब्सॉर्बेशन में हेल्प करते हैं लास्ट आ है जाते हैं आपके कॉल्यूमर एपिथिलियम ये भी सिंगल सेल्स सिंगुलर सेल्स होते हैं एंड ये कहाँ पर मिलेंगे आपको स्टमक की लाइनिंग में या इंटेस्टाइन में और ये भी और में आपको हेल्प करते हैं तो स्क्वेमस एपिथीलियम के अलावा चाहे आपका कॉल्यूमिनर एपिथिलियम हो या क्यूबॉइडल एपिथिलियम हो इनके सेल्स अगर सिलिया इनके है सिलिया बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं तो अगर सिलिया है इनके स्ट्रक्चर पर देन दे आर कॉल्ड सिलियटेड एपिथिलियम और ये सिलियेटेड एपिथिलियम का काम क्या होता है कि ये पार्टिकल्स की मूवमेंट में या म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो यहां से हम थोड़ा सा अब चलेंगे ग्लैंडुलर एपिथिलियम की तरफ तो कॉल्यूमिनर और क्यूबाइडल सेल्स जब वो सिक्रीशन में स्पेशलाइज कर लेते हैं जो कॉल्यमर और क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन में स्पेशलाइज कर लेते हैं तो उनको क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है ग्लैंड एपिथेलियम। ओके ना ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी एक होती है वैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है ये सब सिक्रीट करते हैं तो एक तरह से इनका एक आउटर डक्ट होता है जिसमें सेक्रीशन हो रहा है उनको क्या कहोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है जी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है जिनके डक्ट्स नहीं होते कोई आप उस आ, वो आपकी बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है ठीक है डक्ट्स के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है सलाइवा और म्यूकस uh, वगैरह सब जो है वो आपकी बॉडी के बाहर जा सकता है तभी उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं uh, अब एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो जाता है हॉर्मोन्स ओके एंड दे आर से डायरेक्टली इनटू द फ्लू बाथिंग द ग्लैंड ऑलराइट तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है ओके okay. उसके बाद अगर कंपाउंड एपिथेलियम uh, की बात करते हैं सो इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ये पहले भी देख चुके हैं एंड इसका रोल जो है लिमिटेड होता है सेcretion एंड अब्सॉर्प्शन में मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस ओके एंड दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी फेरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ डेलाइबरी ग्लैंड्स एंड योर पेंक्रियाटिक है तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहां कहां पर ये आपको मिलते हैं right, चलिए उसके बाद जो सारे सेल्स होते हैं एपिथिलियम में ये टुगेदर होते हैं इंटर सेल्युलर मटीरियल में मैंने आपको पहले भी बताया स्पेस बहुत ज्यादा कम होती है तो तीन टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो है आपको एपिथिलियम या किसी भी टिश्यू में मिलते हैं उसको बोलते हैं टाइट एडहेरिंग और गैप जंक्शन टाइट जंक्शन क्या होते हैं

राइट right. और इसी वजह से रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये सब हो, हो सकता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ऑल राइट तो देखो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी सारी जनरल इंफॉर्मेशन है ठीक है और इसमें से सवाल बनने के चांसेस रहेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन प्लांट्स जाइलम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम किस मटीरियल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में A, amino acids, B, food, C, oxygen, D, water. मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता. ठीक ठीक है है. है. है? अगर आप इसको tough की कैटेगरी में में रख रहे हैं, तो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात इजी सवाल आंसर तो इस केस में क्या होगा आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो, है का होता है, तो जो भी बल्क मूवमेंट होती है सबस्टांसिस की ठीक है वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू प्लांट्स में उसको उस बल्क मूवमेंट को क्या कह कहते हैं ट्रांसलोकेशन सबसे पहले तो ये एक सवाल बन गया आपसे ट्रांसलोकेशन के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है वो सीधी सीधी स्टेटमेंट दे देगा द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्टिंग और सब्सिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी उनमें से एक ऑप्शन होगा ट्रांसलोकेशन जो आपका आंसर बन जाएगा एक क्वेश्चन तो ये फॉर्म हो सकता है ठीक है द हायर प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम का क्या काम होता है ये बेसिकली वाटर मिनरल सोल्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसलोकेट करता है रूट्स से टू द एरियल पार्ट्स यानी कि ये नीचे से ऊपर जाता है ठीक है रूट्स से ऊपर की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लॉम में क्या होता है बेसिकली ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सल्यूट जाइलम नीचे से ऊपर जाता है और फ्लॉम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो ऊपर से नीचे करता है यानी कि लीव्स से बाकी के प्लांट्स में लेकर के जाता है तो ये भी आपने एक चीज याद में रखनी है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम का का नीचे से का से नीचे से से ऊपर ऊपर एंड ठीक है चलो ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के थ्रू किसमें टेक प्लेस करती है ऑप्शन ए कोलॉय ऑप्शन बी अमीबा ऑप्शन सी प्लास्मोडियम या फिर ऑप्शन डी ईस्ट किसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन चैप्टर का एनसीआरटी में आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन डी ईस्ट और ईस्ट में बडिंग प्रोसेस से जो है रिप्रोडक्शन होती है ईस्ट इज अ टाइनी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो ठीक है एंड ये मल्टीपल जो है इनकी ग्रोथ जो है काफी फास्ट होती है थोड़े ही समय में ये रिप्रोड्यूस करके क्वांटिटी जो है अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है ईस्ट में रिप्रोडक्शन में द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यहां पर ये स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है आपको दिस स्टार्ट कमिंग आउट और इसको आप कहते हो बड ठीक है ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है और अल्टीमेटली ये बड डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से और जब ये बड डिटैच होता है तो ये एक न्यू यीस्ट सेल बन जाता है कई बार क्या होता है एक यीस्ट सेल जो ग्रो कर रहा है जो बड बन रहा है वो भी पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ और सेपरेट होने से पहले ही वो जो न्यू बर्ड बन रहा था फर्दर उसकी ग्रोथ की वजह से और बर्ड बनने शुरू हो जाते हैं डिटैच अभी तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से एक चेन लाइक -like स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है जिसकी वजह से चेन ऑफ बर्ड्स जो है वो बन जाता है और इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है एंड आप देखेंगे कि छोटे ही समय में लार्ज नंबर ऑफ यूज सेल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑलराइट तो बडिंग डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए किसमें होती है ईस्ट में होती है चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का इन मेमिलियन सेल द प्रोटीन इज बाय प्रोटीन सिंथेसिस किससे किस इनमें से uh, किससे uh, किस होता है इन आंसर इसका ऑप्शन ये ये देखो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन हमें साइंस के नहीं आ रहे तो हम एग्जामिनर को ब्लेम नहीं कर सकते ठीक है आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए राइबोसोम इसमें बी गलत लिखा हुआ है ऑप्शन ए होगा ठीक है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है बेसिक सा सवाल है और चलिए ओके okay. सो नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्स ये आपके एम सी क्यू कोर्सेज़ हैं देखो बहुत रीजनेबल प्राइस इसमें रखे हुए हैं फोर नाइनटी नाइन के आपके सिंगल कोर्सेज़ हैं गैप इंडस्ट्रियल लॉ सोशल सिक्योरिटी अगर आप कॉम्बो खरीदना चाहते हो तो वो वन वन नाइन नाइन का है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षा डॉट कॉम एस डब्ल ई के एच एस एच ए डॉट कॉम पर आपने विजिट करना है वहाँ पर आप ईजिली परचेस कर सकते हैं पहले शेड्यूल देख लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने लॉन्च वीडियो बनाया था उसको आप देख लीजिएगा ठीक है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा ऑल राइट एंड वंस अगेन जो कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला है लेट मी रिपीट दैट अगेन ओके चलिए सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच एंड बाय